वेलकम स्टूडेंट्स, मराठी स्टैंडर्ड 4 का ये प्यारा सा लेसन है जिसका नाम है मैत्री यानी दोस्ती। हमें यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हम एक एक तस्वीर को देखेंगे और उसमें क्या हो रहा है ये देखेंगे। ये है हमारी पहली तस्वीर। पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ये है एक लड़का, ये एक पेड़ के नीचे खड़ा है और उस पेड़ पर कुछ फल लगे हैं और यहाँ दूर एक हाथी नजर आ रहा है। जब हाथी बच्चे के करीब आने लगता है, बच्चा जो है वो बहुत घबरा जाता है और फौरन बच्चे ने क्या किया, वो पेड़ पर चढ़ गया। और जब हाथी बच्चे के बहुत करीब आ जाता है तो बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो झट से एक फल तोड़कर हाथी को दे देता है और इससे क्या होता है कि दोनों हाथी और बच्चा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर अब हमें एक खाली बॉक्स दिया गया है। हमें बताना है कि आगे की कहानी क्या हो सकती है। और आगे हमारी कहानी में ये हुआ, बच्चे ने अपनी होशियारी का इस्तेमाल किया और हाथी के साथ प्यार से पेश आया, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई और वो खुशी खुशी अपने घर लौट गए। चित्र पहा सांगा। मुलगा कुठे उभा आहे, बच्चा जो है वो कहाँ खड़ा है। मुलगा झाड़ा जवळ उभा आहे, बच्चा जो है वो पेड़ के पास खड़ा है। मुलगा कोणाला घाबरला, बच्चा किससे घबराया। मुलगा हत्तीला घाबरला, बच्चा हाथी को देखकर घबराया। मुलगा झाडावर का चढ़ला, मुलगा हत्तीला घाबरून झाडावर चढ़ला। तो मुलगा जो है यानी जो बच्चा है वो झाड़ पर क्यों चढ़ा था, पेड़ पर क्यों चढ़ा था, क्योंकि वो हाथी से घबरा गया था। मुलाने हत्तीच्या सोंडेत फळ का दिले, हत्तीला भूक लागली असेल असे समजून सोंडेत फळ दिले। तो बच्चे ने हाथी के सूंड में फल क्यों रखा, क्योंकि उसे लगा कि हाथी को भूख लगी होगी। हत्तीला आनंद का झाला, हाथी क्यों खुश हो गया। हत्तीला फळ मिळाले म्हणून हत्तीला आनंद झाला, हाथी को फल मिल गया इसलिए वो खुश हो गया। गोष्टीतील मुलाच्या जागी तुम्ही असता तर तुम्ही काय केले असता। अगर आप कहानी के बच्चे की जगह होते तो आपने क्या किया होता। जर मी मुलाच्या जागी असते तर हत्तीला फळ देऊन त्याच्याशी मैत्री केली असती। अगर मैं बच्चे की जगह होती तो मैं भी उस बच्चे की तरह हाथी को फल देती और उससे दोस्ती कर लेती। तुम्हाला माहित असलेली मुलांच्या चातुर्याची एखादी गोष्ट सांगा। आपको कुछ बच्चे पता होंगे जो बहुत चालाक हैं और उन्होंने ऐसी कुछ चालाकी की चीजें की होंगी। क्या आप उनके बारे में आपकी क्लास में सारे बच्चों के साथ स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आशा करते हैं मुलानो तुम्हाला हा वीडियो आवडला। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।